धार जिले के अमझेरा निवासी बजरंग दल के जिला संयोजक मोहनेश पिता मोहन सिंह सोलंकी का शव कल्याणपुर क्षेत्र में मिला है। इस मामले को लेकर झाबुआ के कल्याणपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में ये हत्या हुई है और इसी को लेकर गुरुवार शाम को मृतक के परिजन ने नगर के पुराना बस स्टैंड पर शव रख कर हंगामा किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। दरअसल मंगलवार शाम को झाबुआ जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के छोरा छोरी डूंगरी पर अधजली लाश मिली थी, तो वही इस मामले में पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए प्रेस एवं सोशल मीडिया के माध्यम से शिनाख्त की थी। वहीं विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार गोधरा पुलिस ने पूरे मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया और दो लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। संभवतः सुबह शाम में गोधरा पुलिस पूरे मामले में खुलासा कर सकती है। देखिए पूरी खबर सिर्फ मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज चैनल पर। जो पिछले 14 तारीख से गायब था, हमारा उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। हम लोग प्रयास कर रहे थे कहीं हो सकता अमझेरा हो या हो सकता हो राजगढ़ हो, एक्चुअली दोनों जगह रहता था। उसके बाद 16 तारीख की रात में हमको गोधरा शहर से फ़ोन आता है कि भैया मोहनीश की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, मोहनीश कहाँ है आप लोग बताएं थोड़ा सा। और फिर हम लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया, हर जगह कॉल किया, हर जगह प्रयास किया कि कहीं से कोई जानकारी मिल जाए। बदकिस्मती से उसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और हमको चूँकि शुरू से ये लग रहा था कि राजगढ़ के दिलीप जैन विमल साइकिल वाले और उनका पूरा परिवार उसको जान से मारने की धमकी दे चुके थे। आज से 4 से 5 महीने पहले भी एक बार उन्होंने अटैक करवा दिया था जिसमें वो मरते मरते बचा था, ऐसा हम लोगों को लगा। और किस्मत से ये मान के चलिए कि सुबह हमारे पास कॉल आता है कि भाई दिलीप जैन ने आपके भतीजे का अपहरण कर लिया है और हमारे पास सबूत तक है, वीडियो तक है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो उस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को ये पता चला कि उसने वास्तव में बच्चे का अपहरण करा। हम लोग सुबह राजगढ़ जाके थाने पर पूरा माजरा लिखवाया, उसके बाद हम लोग गोधरा पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर 2-3 लोग थे जिन्होंने हमारी मदद की, पुलिस स्टेशन पे जाके हम लोगों ने सारी बातें बताई। तुरंत तो वहाँ चौधरी साहब करके इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक्शन लिया और उस दौरान दिलीप जैन वहाँ किसी होटल में छुपा हुआ था, उन्होंने वहाँ दबिश दिलवाई, उसको उठवाया और उसके बाद जो भी तफ्तीश उन्होंने की पूरी रात तक हम लोगों को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पा रहा था कि हमारे बच्चे की हत्या करके उसको जला के फिकवा दिया गया है। अगले दिन सुबह हम लोगों को ये पता चलता है कि इस टाइप से कुछ हो गया है। हम लोग फिर वहाँ पहुँचते हैं तो उसका पूरा परिवार वहाँ पे मौजूद है, उसने शायद ये कबूल किया है कि हाँ मैंने बच्चे को उठाया था, उससे संबंधित जो भी वीडियोज़ है वो मैं आपको दूंगा। तो हमारा तो ये कहना कि इस परिवार को जो पैसों के बल पे किसी की भी हत्या करवा सकता है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे भतीजे को इंसाफ मिलना चाहिए, जीते जी तो हम लोग नहीं करवा पाए लेकिन उसकी मौत के बाद उसको इंसाफ दिलवाए। क्या मामला है सर? दिनांक 16/1/24 को तोलिया पिता वरसिंह कटारा निवासी जुलवानिया द्वारा बताया कि एक अधजली लाश कल्याणपुरा फुलमाल रोड छोरा छोरी डूंगरी पहाड़ी के नीचे पड़ी है। सूचना पर मर्ग क्रमांक 3/24 धारा 174 जब्ता फौजदारी के तहत पंजीबद्ध कर जांच में लिया। घटना गंभीर जघन्य व हृदय विदारक थी। जांच के दौरान मृतक का PM करवाया गया। मृतक के कपड़े जूते सुरक्षित रखे गए हैं। आज उनकी पहचान मोहनलाल सोलंकी निवासी राजगढ़ अमझेरा द्वारा की गई है। PM बाद शव को उनके परिजन को सुपर्द किया गया है। मर्ग जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।